बच गया। सो हे गाइज विद टॉक्स में आपका स्वागत है। सो गाइज एंडिंग इतनी सुपर किया है ना इन्होंने कि क्या ही बोलूं, मुझे तो बहुत ही मजा आया ये एंडिंग देख के। और एंडिंग के एपिसोड में इतने सारे वाव मोमेंट थे कि क्या ही कहूं, मुझे लग रहा था कि इस सीजन के अंदर इतना कुछ इम्प्रेसिव नहीं रहेगा, बट मजा आ गया। तो चलो चालू करते हैं। सो नाइन्थ एपिसोड की शुरुआत वहां से ही होती है जहाँ पे सैम और टोरी की फाइटिंग चालू हुई थी। सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सैम बहुत ही गुस्से में थी, टोरी एक्सप्लेन कर रही थी कि उसको क्या कहना था, बट सैम यहाँ पे सुनने की दिमाग में नहीं थी क्योंकि उसने जस्ट मिगेल को दिखा था और बाद में ये सब सुना था, तो वो बहुत ही एंग्री हो चुकी थी। सो बाद में स्टोरी जाती है कैरमेन और जोनी की तरफ जो उनके फर्स्ट बेबी स्कैन पे गए थे और वहाँ पे वो दोनों बहुत ही खुश भी हो रहे थे। पर उसके बाद वहाँ पे अचानक से उन्हें मिलता है सिल्वर और ये सारा सिल्वर जिधर भी मिलता है हर किसी का दिमाग उठाता है। तो यहाँ पे भी वो जॉनी को बहुत ही भड़काने का ट्राई करता है पर जॉनी यहाँ पे शांति रहता है। सो बाद में फटाक से स्टोरी जाती है डेनियल और बाकी सबके पास जहाँ पे डेनियल कन्फर्मली कहता है कि आज की रात तो शांत की रहेगी। और इन बातों ही बातें में जॉनी भी कह देता है कि कैरमेन के पेट में बच्चा है और सब लोग खुश हो जाते हैं। सो डैनियल को इतना कंफर्म लग रहा था कि आज के रात को कुछ भी नहीं होगा, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि आज जाएंगे क्लब में और बहुत सारा एंजॉयमेंट करेंगे। तो ये सब बड़े लोग जाते हैं क्लब में, वहां पे जाने के बाद इन लोग की जरा हैप्पी मोमेंट दिखाए गए हैं और वहाँ पे मेन चीज थी चोजन और जॉनी की बातें। वो दोनों बहुत ही कनेक्ट कर पाते एक दूसरे के पास से और वो दोनों भी कितने बदल चुके हैं ये उन लोग को पता चलता है। और यहाँ पे बातों बातों में जॉनी को पता चलता है कुमिको के बारे में और उसे यहाँ पे इतना तो कंफर्म पता चल जाता है कि उसके दिल में किमिको के बारे में कुछ तो है ही। सो बाद में छोड़ी जाती है रॉबी की तरफ जो आ चुका है कोबरा काय के अंदर और फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो बातें करता है उससे मुझे लग रहा था कि भाई ये ना टर्न हो जाए, पर बाद में पता चलता है कि रॉबी बाकी सबको समझाने के लिए आया था कि तुम लोग गलत राह पे चल रहे हो, पर यहाँ पे कोई सुनने के इरादे में नहीं था। और बाद में सिल्वर भी कह देता है कि ये सब लोग सिर्फ मेरा ही सुनेंगे बाकी किसी का भी नहीं। और रॉबी रिटर्न घूमने ही वाला था तभी वो टोरी की तरफ दिखता है और तभी किम भी देख लेती है कि इन दोनों का कुछ तो चक्कर है। और हाँ, रॉबी जाने से पहले सिल्वर सबको कहता है कि अगर इसके और इसके फ्रेंड यहाँ पे आ गए तो उनके ऊपर जरा भी मर्सी नहीं दिखाने की। सो बाद में छोड़ी जाती है सैम मिगेल और बाकी सबके ऊपर जो जा चुके हैं स्टिंगरे के घर पे और उसे कन्विंस करते रहते हैं कि तुझे जो कुछ भी बताया वो सब कुछ तू बता दे, पर वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि स्टिंगरे इतना भी बुरा नहीं है। हाँ, वो पहले से ही अच्छा था पर उसे डर लग रहा था कि उसके साथ आगे जाके क्या होगा, पर वो ऐसी बातें घुमा घुमा के उन्हें सारा सच बता देता है कि उस एक्चुअल डे में क्या हुआ था, पर वो कन्फेस नहीं कर सकता। सो बाद में छोड़ी जाती है फिर से कोबरा काय के अंदर जहाँ पे किम टोरी के ऊपर जरा सा फोर्स करती रहती है कि तुम अभी घर पे नहीं जाओगी, तुम एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करोगी। और यहाँ पे वो एक पत्थर का एक स्टैचू देती है और बोलती है कि तुम इसके ऊपर अटैक करने का है, जब तक तुम इसे तोड़ नहीं पाती तब तक तुम घर नहीं जाओगी। और यहाँ पे किम थोड़ा टोरी को भड़काने का ट्राई करती है और बाद में ही टोरी के हाथ से वो स्टैचू टूट जाता है। सो पहले से ही टोरी बहुत ही कंफ्यूज थी उसके फ्यूचर के बारे में और बाकी सब इस चीटिंग एंड ऑल के बारे में और टूर्नामेंट के बारे में। सो वो बहुत ही कंफ्यूज थी, ऊपर से ये सारी टॉर्चरिंग। और उस रात को अचानक से सैम वहाँ पे आ जाती है क्योंकि इससे पहले सैम को मिगेल ने थोड़ा समझाया था कि टोरी गलत नहीं है। हाँ, उल्टा उससे गलतियाँ हुई है पर वो कन्फेस करने आई ना, उसने सच तो बताया ना, और ऊपर से कोबरा काय में रहना कुछ इजी टास्क नहीं है, मैं खुद कोबरा काय में था। सो इसीलिए सैम को थोड़ी उसकी गलती पता चल रही थी इसलिए वो अभी टोरी के पास आई थी उससे बात करने के लिए। सो वो आते ही उसका ध्यान जाता है उसके घर के ऊपर, जो घर की पूरी हालत हुई थी ना उसको समझ रहा था कि टोरी कौन से हालात से जा रही है। और वो यहाँ पे कहती है टोरी को कि मैं समझ रही हूँ कि मेरी भी गलती थी, अभी मुझे लग रहा है कि हम ये सब पैचअप करना चाहिए। और यहाँ पे फिर से टोरी अपनी गलती मान लेती है कि उसने जो कुछ भी किया था वो भी गलत था और यहाँ पे इन दोनों के बीच में का सब कुछ सॉर्ट ऑफ हो जाता है। सो बाद में यहाँ पे मेन एक क्लाइमैक्स सिक्वेंस था जैसे कि सिल्वर और किम पीने के लिए बैठे है और बाकी हमारे सब चोजन जॉनी और डेनियल वो दोनों भी सेपरेटली पार्टी करने के लिए जा रहे हैं और सब लोग टल्ली हो चुके हैं। और अचानक से उन्हें पता चलता है कि उनका व्हीकल सैबोटेज हो चुका है, मतलब कि किडनैप हो चुका है और उनके सारे के सारे डोर लॉक हो चुके थे। सो उन तीनों को ऐसा लग रहा था कि ये सिल्वर का ही कोई तो बंदा रहेगा जो हमें किडनैप करके दूसरी तरफ लेके जा रहा है। सो यहाँ पे इन लोग को ये पार्टी बहुत ही महंगी गिरने वाली थी। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या हुआ। सो लास्ट एपिसोड की शुरुआत ही होती है क्रिस से जहाँ पे वो सब कुछ कन्फेस कर रहा है कि उसने क्या गलत किया, उसकी हर एक डिटेल
वो उसको काउंसिलर को बताता है। सो बाद में थेरेपिस्ट उसे थोड़ा एंकरेज करते हुए दिखाई है कि तुम जहाँ पे भी रह रहे हो वहाँ पे भी तुम्हें पर्पस मिलेगा, हर चीज गलत है ऐसा तो नहीं होता ना। सो बाद में दिखाया गया कि कैफेटेरिया में क्रिस बैठा है खाना खाने के लिए और दो बंदों के बीच में फाइट चालू हो जाती है और वहाँ पे वो क्रिस उनको रोकने के लिए जाता है पर वो जो बंदा रहता है वो क्रिस के ऊपर ही अटैक कर देता है और उसके पेट में चाकू घुस देता है। सो बाद में फटाक से स्टोरी चेंज हो जाती है और स्टोरी जाती है जहाँ पे कार हाईजैक हो चुकी थी और बाद में यहाँ पे पता चलता है कि वो हाईजैक करने वाला और कोई नहीं माइक बांस था। और पहले तो वो बहुत ही भड़क गया था इसलिए वो डैनियल के ऊपर चढ़ता है कि भाई तूने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। उसे लग रहा था कि उसके वजह से हुआ क्योंकि वो अभी उसके लाइफ में आया था और ये सब हो गया। बट यहाँ पे डैनियल कहता है उसे कि ये सिर्फ सिल्वर की गलती है, इसीलिए सिर्फ सिल्वर ही रिस्पॉन्सिबल है जो कुछ भी हो रहा है हमारे लाइफ में। सो यहाँ पे ब्रांस सजेस्ट करता है कि अभी हम लोग जाएंगे उसके घर पे और साले को घर पे ही मारेंगे। सो डैनियल कहता है कि नहीं भाई ये गलत है, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। पर जोजन और जॉनी फटाक से रेडी हो जाते हैं, बोलते कि हाँ ये बराबर है यही करेंगे। और यहाँ पे डैनियल उनको रोकने की बहुत कोशिश करता है पर ये तीनों तो रुकते नहीं, ये तीनों भी निकल पड़ते हैं और डैनियल वहाँ पे ही रह जाता है। सो ये तीनों भी सिल्वर के घर में घुस जाते हैं पर किम देख लेती है सीसीटीवी कैमरे में कि कोई तो अंदर घुस चुका है। और तभी हमें ये नहीं पता था कि सिल्वर के पास पहले से ही ट्रूप्स है, मतलब कि बाकी के सेंसेस। तो जैसे ही ये तीनों अंदर जाते हैं बाकी के सेंसेस को भी ये लोग आगे बुला लेते हैं। सो बाद में स्टोरी जाती है किड्स की तरफ जहाँ पे उन्हें ये पॉइंट आउट होता है कि अगर हमें फुटेज मिल जाएगी स्टिंगरे के ऊपर सिल्वर ने अटैक किया है तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। इसलिए वो लोग सब लोग तय करते हैं कि हम सब लोग मिलके जाएंगे कोबरा काय डोजो में और वहां से वो क्लिप निकाल के लेके आएंगे। और ये लोग कामयाब भी होते हैं, अंदर भी जाते हैं पर वहां पे एक छोटू सा कैमरा लगाया हुआ था, उसकी मदद से किम को पता चल जाता है कि ये लोग यहाँ पे आ गए हैं। इसलिए वो बाकी सारे बच्चों को अलर्ट कर देते हैं और वहाँ पे भी ट्रूप्स भेजते हैं। सो बाद में इन्हें पता चलता है कि सिल्वर ने डिलीट किए वो फुटेज जिसमें उसने स्टिंगरे को मारा था। और बाद में टोरी को याद आता है कि उसने जो कुछ भी गलतियाँ की है वो सब उसके सामने उसने कन्फेस की थी, इसलिए वो डेट और टाइम टोरी उसमें डालती है और वो क्लिप उसके अंदर अवेलेबल भी होती है। सो ये सारे लोग ये क्लिप उससे निकालते ही रहते हैं तब तक वहाँ पे कोबरा काय के किड्स आ जाते हैं और यहाँ पे बहुत बड़ी फाइट चालू होती है। और ये फाइट नरेट करने लायक नहीं है, इसमें सिर्फ देखने के लिए ही मजा है। सो बाद में स्टोरी जाती है डैनियल की तरफ जो कॉल करता है एमेंडा को और उसे बता देता है कि उसके साथ क्या हुआ है और जल्द से जल्द उसे पिकअप करने के लिए वो बताता भी है। पर तभी एक कार उनके घर के बाहर आ जाती है और वो कार रहती है कोबरा काय वालों की, इसलिए ये दोनों भी छुपने के लिए निकलती है। बट एक्चुअल में वो रहता है स्टिंगरे और वही उन दोनों को लेके डायरेक्टली जाता है डैनियल की तरफ और डैनियल को वो लोग पिकअप कर लेते हैं। सो सेम उतनी बड़ी फाइट चालू थी सिल्वर के घर पे जहाँ पे चोजन और सिल्वर की फाइट चालू थी और यहाँ पे दोनों की भी फाइटिंग सीक्वेंस बहुत ही अच्छी दिखाई थी, सिनेमेटोग्राफी भी बहुत ही सेक्सी था। पर बाद में जो चोजन को लगता है ना भाई वो देखे मेरा कैसे हुआ मुझे। और जॉनी भी पहले बहुत ही मार खाता है पर जैसे ही वो बच्चे की फोटो देख लेता है वो चारों जन को एकटा ही ऐसा धोता है ना कि भाई पूछो ही मत, पुराने वाले जॉनी की याद आ गई। सो फिर से स्टोरी आती है बच्चों की तरफ जहाँ पे ड्रीमिटी ट्राई करता है कि जल्द से जल्द ये फुटेज वो अपलोड कर पाए यूट्यूब पे, पर तभी कुछ बच्चे अंदर भी आ जाते हैं पर हॉक उन्हें रोकने के लिए लगा रहता है। सो बाद में क्लिप तो कम्प्लीटली इनके फोन में आ जाती है पर अपलोड करना बाकी था तो ये दोनों भी बाहर निकलते ही है पर तभी उनके हाथ से वो आईपैड गिर जाता है। और तभी मियागिडो और ईगल फैंग वाले सारे के सारे बच्चे एक सर्कल कर रहे थे और उन्हें घेर के रखते हैं और उन्हें अंदर आने से रोकते हैं। और ये ट्रेनिंग उनको इसीलिए क्लिक होती है क्योंकि चोजन के टाइम पे वो अंडो वाले ट्रेनिंग की थी। सो बाद में चोजन को मारने के बाद सिल्वर आ गया था कोबरा काय के अंदर पर तब तक ये वीडियो अपलोड हो चुकी थी और सब बच्चे लोग देख भी लेते हैं और सब लोग को पता चलता है कि सिल्वर कितना झूठा था। पर आते ही वो उसकी भाषण चालू करता है, उसे लगता है कि इतने से क्लिप से क्या ही फर्क गिरेगा पर कोई भी बच्चे लोग उसका सुनते नहीं है। और इतने टाइम में डैनियल स्टिंगरे और एमेंडा भी पहुंच गए थे। सो यहाँ पे आने के बाद फिर से सिल्वर डैनियल के साथ माइंड गेम्स खेलता है और यहाँ पे वो उसको एंकरेज करते रहता है कि चल फाइट कर मेरे साथ। और यहाँ पे डैनियल के सामने एमेंडा एकदम प्राउडली कहती है कि तुम्हें जो लगेगा वो ही करना, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे हमेशा। और यहाँ पे डैनियल का पूरा माइंडसेट हो गया था, वो फाइट में उतर जाता है और यहाँ पे वो इजीली डोमिनेट करने लगता है सिल्वर को क्योंकि उसका पूरा होश और ध्यान फाइट में था। और वहां पे जॉनी भी जिसको
चुका था वो फाइट, क्योंकि उसने वो बच्चे की फोटो देख ली थी। और बाद में बांस वहाँ पे आ जाता है हेल्प के लिए, पर तब तक सबको उसने हरा के रखा था। तो बाद में डेनियल ने सिल्वर को हराने के बाद हर एक बच्चा अपनी किट उतारता है और सिल्वर के ऊपर ही फेंक के निकलता है। केनी को भी अपनी गलती पता चल गई थी कि वो उसने कितना गलत किया है और उसे बहुत ही शेमफुल लग रहा था। तो बाद में सब कुछ पुलिस के अंडर गया ऐसा दिखाया गया था और पहले सिल्वर को अरेस्ट किया जाता है। और तभी बराबर टाइम पे वहाँ पे जॉनी और बाकी सब लोग भी आ जाते हैं और यहाँ पे हमें दिखाया गया कि चोजन भी ठीक है, सिर्फ वो घायल हो चुका है। सो सीजन खत्म होने से पहले एक चीज इम्पोर्टेंट दिखाई गई है कि क्रिस प्रिजन से बाहर निकल चुका है। उसने ये सब सेटअप करवा लिया था कि खुद के ऊपर अटैक करवाने का, पर ये सब अटैक तो झूठा था। सो जो ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर और पुलिस उसको साइड में लेके आए थे, उनको वो क्रिस मार देता है मतलब बेहोश कर देता है और बाद में उनका एक किट पहनता है। और जब भी थेरेपिस्ट उसे एंकरेज कर रही थी तभी उसका आईडी भी उसने चुरा लिया था। सो उसका आईडी वो यूज करके वहां से इजीली बाहर निकल जाता है। सो अभी क्रिस बाहर आ चुका है, सीजन 6 में क्या क्या होगा वो ही सोच के मेरा दिमाग उठने लगा है। सो ओवरऑल बहुत ही मजा आया, एंडिंग के ये दो एपिसोड बहुत ही ब्यूटीफुल थे। आपको कैसे लगे कमेंट्स में बताना भूलना मत। ऐसे ही रिव्यू ऐसे ही एक्सप्लेन करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।